हो बाप। शादी इसका सत्यानाश हो जाए इसका। क्या ना जाने। हेलो। बुरी मत के मोले, हाँ? इतनी बुरी बुरी आवाज में चिल्ला रहा, यही टाइम मिला था तेरे को फोन करके डराने का, हाँ? 10-12 बिल्ले निगल लिए क्या बुरी मत के? रख फोन। फिर काट दे जाना जी। पांक। हेलो। अरे जनाजे पूरी बात तो सुनना रे। मैं तेरी खाला बोल रही ना। हाँ खाला बोल। अरे क्या खाला, इतना बुरा बुरा चिल्लाते क्या फोन में? खाला बेटा मैं बहुत परेशान हो गई थी, कह रहा क्या आज ही कुआ बावली कर लू। मैं तो रोना बंद करना, तो मेरे को हंसी आ जाएंगे। तुझे बोल देना। हाँ हाँ बोल, क्या हो गया? अरे बेटा तेरे खालू को क्या भी लगन क्या नहीं, कल से मेरी सलवार फराक पहन के फिर रहे अन कह रहे मेरे को अकबर बादशाह को। तोबा तोबा तोबा, कितने खराब दिख रहे हो काला कालू। अब क्या बताओ बेटा, देखो कल हमारे गांव में बारात आई बाहर गांव की, दूल्हा घोड़े पे बैठ के जा रहा, घोड़े के दूल्हे को टक्कर मारे, सारा सेहरा खून में लहू लुहान हो गया बेटा। अरे कह रहे उतर ये घोड़ा अकबर बादशाह का है, वहाँ से भेजिए जैसा वैसा करके। अरे बेटा दरगाह में भी बैठाई ना रे उनको, दरगाह में सिक्कल से भान के चाबी मेरे पास, शाम को मुजावर उन्हें छोड़ के चले गए, बोले भेर दरगाह पे कौन सा दिमाग का तान भेज। तोबा तोबा तोबा, खाला यकीन मान खालू का मुंह है ना पक्का भिखारी दिखता, मग तो उसमें अकबर बादशाह कैसे दिख रहे होंगे। एक काम रोना बंद कर बहन तू, पहले मैं क्या कह रहा हूँ, खाली खालू को है ना गाड़ी में बैठा दे, बस बाकी मेरी जिम्मेदारी निपट लूंगा मैं खालू को। सुबह की बस में ना। हाँ बहन चल बैठा दे गाड़ी में उनको, जब तक बस हलेंगी ना, तू भी मत हलना है। जब तक ड्राइवर भोर भोर नहीं करेगा, कंडक्टर चढ़ नहीं जाता, गाड़ी हल नहीं जाती, मैं हटूंगी। हाँ बाकी मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेटा देख इतना मेरा काम कर दे बेटा, जैसा तू मेरी मुसीबत तेरे सिर पे उठा रहा, ऊपर वाला टेकू उठा ले बेटा। हाँ रख फोन चल, क्या बुरा बुरा रोती बहन तू भी। ना रे अकबर दादा पैसे दे दो, रिक्शा का भाड़ा दो ना। उस्ताद आदमी तुम हमसे रिक्शा का भाड़ा मांग रहे हो, हम तुम्हें दीवारों में चुनवा देंगे। अरे सुबह से धंधा पानी नहीं होले, पैसे दो। 2 टके के टांगे वाले, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। अरे तेको मया से अकबर दादा कर रहा, तू ज्यादा शाना बन रहा क्या? पैसे निकाल मेरे। उस्ताद आदमी तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम अकबर बादशाह के गिरे बांध पे हाथ डालोगे, सिपाहियों इसकी गर्दन कलम कर दो। क्या क्या रिक्शा का भाड़ा नहीं दे रहे हो? अरे तो भाड़ा ही होना ना, देखो बलचंडे पकड़े हैं क्या उनके, निकामे बात कर रहा। ये ले निकल, बादशाह सलामत चलो। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारी शान में कुछ तारीफ की जाए। बा अदब बा मुलायजा, जिल्ले सुबानी, जर्दा खाएंगे या बिरयानी, पीने के वास्ते लाना अपने घर से पानी। चल अच्छा हुआ बीरबल जो तुम आ गए, वरना वो टांगे वाला हमारे हाथों से कत्ल हो जाता उसका। अबे बादशाह सलामत, ये रिक्शा वाले है ना बड़े भिन्नौड़ दिमाग के रहते मालूम है क्या, वो तो अच्छा हुआ उसने तुम्हारी खाली गलची पकड़ा, नहीं तो वो है ना अगर टक्कर मार देता ना तुमको, तुम्हारी नाक में से गंगा जमुना बहना चालू हो जाता मालूम है क्या। वो सब छोड़ो, बताओ रियाया में किस किस की परेशानी है,
हम सबकी परेशानी दूर करेंगे। आधे अकबर खालू हैं, तुमसे मेरी खाला नहीं संभलती, रियाया को तुम क्या संभालेंगे? उस्ताद बीरबल क्या कहा तुमने? आधे जिल्ले सुबान राव, अब मेरा मतलब जिल्ले सुबानी सब मजे में है मेरे को छोड़ के। बस बीरबल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ओह नो, जाओ हमारी सल्तनत में से जो लग रहा तुमको वो ले लो। अरे ये खालू क्या लेना, पहले ही तुम्हारा 10x10 का झोपड़ा है, उसमें मैं क्या लूंगा? क्या रे जैन, कौन है ये नमूना और कहाँ लेके जा रहे इसको? उस्ताद आदमी, हमारे सामने जो भी आता है उसके पैर थर थर करने लगते हैं। दुश्मन सेना जब भी हमारे सामने आती है उनकी तलवार म्यान में चली जाती है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा। ओह नो, वरना गब्बर आ जाएगा। नहीं ना माकूल, अकबर आ जाएगा। क्या रे जैन, कहाँ से दोगला आदमी लेके आया तू? नहीं अरे वो है ना मेरे खालू है, उनको अकबर बादशाह का भूत चढ़ गया, मेरे तो नाक में दम आ गया संभालते संभालते। तू भी थोड़ी सी एक्टिंग कर ही लेना, तेरा क्या जा रहा? अच्छा अच्छा, ये अकबर है, बादशाह सलामत है, मेरी कौन सी शान छोटी हो जा रही, मान लेता कि अकबर है। हाँ ना मुराद आदमी, अब तुमने हमको पहचाना, बताओ क्या तुम्हारी परेशानी है? परेशानी ये है बादशाह सलामत कि मेरी एक औरत है जिसका मैं आदमी लगता, और उस औरत के दो बच्चे जिनका मैं बाप लगता। तो तुम्हारा अपना लुक आउट है, अब सब बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? बादशाह सलामत एक बात बताओ, तुम्हारे तो कई औरतें हैं ना, तो तुम कैसे संभालते थे? अरे मुझे भी आइडिया मिल जाएगा ना संभालने का। बदतमीज, गुस्ताखी करता है बीरबल, इसको हमारे दरबार में पेश करो, हम इसकी जबान कलम कर देंगे। अरे अकबर खालू, तुम्हारे ऊपर मर्डर केस बन जाएगा, 302 की कलम लग जाएंगी, पुलिस अलग टायर में फंसा फंसा के मारेगी। मालूम है कि तुमको समझ नहीं रहे बात को। ओ भाई जफिया, तेरा तेरा काम कर दो, चल दो बादशाह सलामत, चलो। अरे 11 5 कम, अरे औरतें कपड़े की नहीं पहना दिया इनकी। अरे चल बोधी गत के, आने निकल यहाँ से, तेरे बाप को भी ऐसी बोलता क्या बोधी गत के, चल जा। शाबाश नौजवान, खुश रहो आबाद रहो। देखा बिबल हमारी शान में कैसे कसीदे पड़े जा रहे। अरे वो तो मेरे को समझ रहा कि उन्हें बोधी गत के ने क्या बोल के गया, कसीदे पड़े नहीं जा रहे, जूते पड़ रहे, समझ रहे क्या? चलो क्या जी? हाँ मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे खालू के अंदर अकबर बादशाह का भूत आया कैसे? भूत आया कैसे? कैसे बात कर रही तू? क्या अकबर बादशाह ने मेरे को क्या फोन करा, मोबाइल करा कि मैं तेरे खालू के आंग में घुस रहा, ऐसा क्या? अरे ये मसला नहीं है कैसा घुसा, मसला अब ये है कि वो भूत को निकालना कैसा। अरे दादा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तेरे खालू को है ना आधे लेके गए तेरे भाई, लेके गए थे हाँ? वो बाबा का पूरा लोबान जला जला के लोबान खत्म होगा, मगर इनके आंग में से भूत नहीं गया। ऐसा हाँ? तो एक काम कर तू, 5 रुपए की ना लाल मिर्ची ले हाँ? और उनकी धुनी दे हाँ? ऐसे भागेगा भूत के कनपट्टी मारूंगा तेरी रिका में, रिका मेरी खालो को विधवा करने के चक्कर में के बुदीगत के मिर्चे की धोनी दे, उसके पहले टिक्के का मसाला लाके तेको टल डालूंगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या है? सुनो, हाँ ये आइडिया सही है ना। हाँ चलो सबके सब अभी है ना दरबार में हाजिर हो जावा। हाँ और सुन रे, वो बीच में जरा से भी गड़बड़ मत करना है, ये तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा है ना। चलो दरबार में। अरे वाह, और क्या ऐसा हासरी है?
मैंने तेरे को महारानी बनने का बोला था, नौकरानी बन के आ गई। ऐसे करते तुम, जा रही मैं। अरे तू चले जाएंगी तो फिर खालू के आंग में से अकबर बादशाह कैसे का निकलेगा। मैं एक ही शर्त पे यहाँ पे रुकूंगी। क्या? तुमको ना मेरी तारीफ करना पड़ेगा। इसका मतलब खालू के आंग में से कभी अकबर बादशाह निकलेगा नहीं, है ना? ऐसा ना, जा रही मैं। अच्छा सुन, कोशिश करता ना मैं तेरी तारीफ करने की जी पे पत्थर रख के। बुरीगत का वक्की का है। जय महेशमती, जय महेशमती। अरे बुरीगत के यहाँ पे क्या बाहुबली की शूटिंग चल रही है? महेशमती आधे खालू के आंग में अकबर बादशाह घुसे ले, वो निकालने का है। जिपरे बाहुबली, आधे तेको जो काम के वास्ते बोले थे वो काम करा के नहीं करा तूने? तूने उनको जाके बोला कि तुम्हारे बेटे सलीम को हमने किडनैप कर लिया? अरे मैंने बोल के आया वो आते ही होंगे। निगाहे रूबरू बादब बा मुलायजा होशियार, शंसाए जलालत तकरीब ला रहे हैं। हम है शहंशाह जलालुद्दीन अकबर और ये है हमारी सल्तनत। बादशाह सलामत का एक बाल बुलंद रहे। ऐसा ना, साहिब आलम का एक एक बाल बुलंद रहे, भले से मैं टकला हूँ जो भाई। हाँ तो क्या है मिस्टर अकबर बादशाह, हमने तुम्हारे बेटे सलीम को किडनैप कर लिया। अच्छा तो ये गुस्ताखी तुमने की है? आए हमारा सलीम शहजादा, हमारा लगते जिगर नूर नजर। गुस्ताखी नहीं है मिस्टर अकबर, इसको गेम बोलते हैं, गेम। शहजादा अकबर के छटाक भर के सलीम शहजादे को पेश किए। कौन है ये चॉकलेटी मखलूक? ये चॉकलेटी मखलूक नहीं, ध्यान से देखो मिस्टर अकबर, ये तुम्हारा बेटा सलीम शहजादा है। इसको हमने हमारे जेल में रखा, वहाँ पे गर्मी से सुकड़ते सुकड़ते पिघलते पिघलते इतना बचा है। अगर तुम साल भर लेट कर देता तो ये तुमको शायद इतना बड़ा मिलता। शहजादे सलीम, ये क्या हो गया तुमको? मैंने पहले ही कहा था अनारकली के नाद में मत लगो। बोलो, हमारे बेटे की रिहाई के बदले में क्या लोगे? हम कुछ नहीं लेंगे मिस्टर अकबर, इसको लेके जाओ, क्योंकि इसकी वजह से हमारे दूसरे कैदी भी खराब हो रहे, समझे? और इसके बदले तुम्हारे को जहर का प्याला पीना पड़ेगा। बाखुदा हमें मंजूर है, जहर का प्याला मंगाओ। अनार खाली भुकेला पानी ला, भुकेला पानी ला जल्दी से। हेलो। अरे मेरे बाप रे, क्या रे सही में तूने जहर दे दिए रे बुरीगत को? खालू, ओ खालू, खालू, ओ खालू, खालू, कैसा लगा था तुमको? अच्छा लग रहा ना? आए? अरे मेरे बाप रे बाप, अरे जैनिया कहाँ गया मैं? अब झावला झावला दिख रहा मेरे को। तो ये क्या रे? खालू से खाला बनाती है मेरे को? अरे मेरे बाप रे बाप। मैं बताता ना खालू तुमको, मैं बताता, उड़ो तू आओ। जोकर के कपड़े पहन के कौन सी सर्कस में जा रहे जी? बुरीगत की दातड़े बता रही क्या? हमारा नाम है अकबर आजम हलिया डुलिया पाटिल। बुरीगत की तूने इतना बेतुक्का खाना बनाई कि वो खाना मैंने कुत्ते को दिया, कुत्ते ने बिल्ली को दे दिया। इसका मतलब तेरे हाथ रहे कि कोई फायदा नहीं, आज तेरे दोनों हाथ काट डालूंगा।